हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे 3 राज्यों से होकर गुजरेगा, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। यह एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा जिसे भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जा रहा है। ये एक एसेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा जिस पर कुछ ही चुनिंदा जगह पर एंट्री और एक्सिट पॉइंट दिए जाएंगे। रायपुर से विशाखापट्टनम के बीच बनने वाले एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 464 किलोमीटर होगी। वहीं यह 6 लेन चौड़ा होगा। इस पर दौड़ने वाली गाड़ियों की अधिकतम स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रखी गई है। इस एक्सप्रेसवे बनने के बाद 14 घंटा का सफर सिर्फ 8 घंटे में पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि इन दो शहरों की दूरी 590 किलोमीटर से घटकर 464 रह जाएगी। एक्सप्रेसवे बनने के बाद 120 किलोमीटर कम सफर तय करना होगा। यह एक्सप्रेसवे रायपुर के खुर्द से शुरू होकर विशाखापट्टनम के पोर्ट पर जाकर खत्म होगा। इस एक्सप्रेसवे को भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे की डेडलाइन 2024 रखी गई है। वहीं इसकी टोटल कॉस्ट 20,000 करोड़ रखी गई है। इस एक्सप्रेसवे का 124 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में आएगा, 240 किलोमीटर ओडिशा, 100 किलोमीटर आंध्र प्रदेश में बनाया जाएगा। रायपुर विशाखापट्टनम के साथ साथ और भी कई शहरों को कनेक्टिविटी देगा। इस एरिया में सोशल और इकोनॉमिकल ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसे जल्द से जल्द बनाकर 2024 को पब्लिक के लिए समर्पित करने का प्लान बनाया है। उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।